नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दोस्तों, आज जानेंगे पंडित जी के साथ आपकी सारी राशियों के हाल। चलिए, उससे पहले आप सभी को बता दें, आप सभी आपकी परेशानियों का हल जान सकते हैं पंडित जी से। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना है कि आपको हमें कॉल करना है हमारे नंबर पर जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और नंबर पर कॉल करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपको अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके राशिफल के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल क्या कहती है आज के दिन, किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे प्रेत योनि में ले जाने वाले कुछ बुरे कर्मों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को शीतला सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शीतला आपके जीवन के अंदर हमेशा शीतलता बनाए रखें, यही शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। शुरुआत करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका मन काफ़ी चंचल रहेगा, जिसके कारण आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, परेशानी हो सकती है, कोई कंपटीशन का भी आज आपको सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए घर से निकलते समय तुलसी जी का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा। जो डेली रूटीन वाले जो काम हैं उसमें बहुत ज़्यादा उतावलापन मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, अदरवाइज बनते हुए काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक खीर खिलाइएगा, कुछ भी मीठा खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको एहसास होगा, महसूस होगा कि बात चाहे वर्किंग एरिया की हो या फैमिली की हो या किसी पर्सनल व्यक्ति की हो, आपको उतना ही लाभ होता है जितना काम आप करते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। एक्चुअली एक मेल आया था हमारे पास अमर सिंह जी का। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 20/1/1959, उनके जन्म का समय है सुबह का 7 बजे का, और पंडित जी इनका जन्म स्थान है उमरकोट, पाकिस्तान का। पंडित जी, एक्चुअली इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनकी एक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, उसका केस चल रहा है बहुत समय से जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कुछ समाधान चाहते थे आपसे। देखिए अमर सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली को अगर हम वैसे विश्लेषण करते हैं, चूँकि शनि की महादशा आपको चल रही है और शनि में भी केतु का अंतर है, इसलिए कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि इस वक्त भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा। जो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, वो रिजल्ट आपको मिलेंगे 2017-18 में। 2017-18 में आपकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इश्यू हैं, उनका आपको समाधान मिल सकता है, आपके फेवर में हो सकता है। करना क्या है आपको, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक तो नियम मान लीजिए कि आपको मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। पास में कोई हनुमान जी महाराज का मंदिर हो तो कम से कम 11 मंगलवार आपको हनुमान जी महाराज की चोला भी अवश्य चढ़ाना है। आप स्वयं अपने हाथ से सामान लाके हनुमान जी महाराज का चोला चढ़वाइए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पुजारी जी को पैसा दे दीजिए, आप स्वयं अपने हाथ से चोला चढ़ाइए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। आप 11 मंगलवार कीजिएगा, आपको फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से मुकेश जी हैं। पंडित जी, एक्चुअली इन्हें अपने जन्म का समय और जन्म का दिनांक नहीं पता है। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे गुरु महाराज, राधे राधे।
जी मुकेश जी अपना सवाल पूछिए। मेरे को काफी इन दिनों में काफी परेशानी आ रही है और कोई काम नहीं बन रहा है, मैं पेशे से कोर्ट में एडवोकेट हूँ। देखिए मुकेश जी, चूँकि अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है, प्रश्न कुंडली आपकी बनाई है हमने आज की तारीख के हिसाब से। प्रश्न कुंडली अगर हम बनाते हैं तो जो आपकी अवस्था है वही चीज़ें इसमें शो हो रही हैं। बुध आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है, तो कहीं ना कहीं आपके काम धंधे में जो परेशानी है उसका एक कारण जो है वो आपकी आज की प्रश्न कुंडली के अंदर बुध का नीच का होना। एक तो नियम मान लीजिए, आपके कोर्ट पास में ही है, हर बुधवार को गणपति जी के दर्शन करने हैं। जो भी आपके पास में जगह हो, जरूरी नहीं मोती डूंगरी जी, जो भी कहीं पे हो वहाँ पे आप गणेश जी महाराज के दर्शन करेंगे। घर से जब आप निकलेंगे तो आप गणेश जी को अर्ध प्रदान करके निकलेंगे। अर्ध कैसे प्रदान करना है, एक तांबे का कलश ले लीजिए और उसमें जल भर लीजिए, उसमें थोड़े से हरे मूंग डाल लीजिए, इत्र डाल दीजिए, हल्दी पाउडर डाल दीजिए, अक्षत यानी चावल डाल दीजिए। एक खाली कटोरी ले लीजिए, जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ठीक उसी प्रकार गणेश जी भगवान को ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः करते हुए अर्ध चढ़ा के आप घर से निकलिए। निश्चित तौर पे आपका जो वकालत का पेशा है उसमें आपको बहुत ही सुधार दिखाई देगा, क्लाइंटेज जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हेमंत जी हैं सिंघाना से, जो कि अपनी माता जी के लिए जानना चाहते हैं। पंडित जी, एक्चुअली उन्हें अपनी माता जी की जन्म की तारीख नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि वो 40 साल की हैं और उनकी जो जन्म का समय है वो है सुबह का 5 बजे का। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। लता पंडित जी, उनका संपर्क हमसे कट गया है, वो अपनी माता जी के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते थे आपसे। देखिए हेमंत जी, चूँकि आपकी मदर का नाम भी आपने नहीं बताया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अगर फिर अगेन प्रश्न कुंडली की तरफ हम जाते हैं और प्रश्न कुंडली से अगर हम चेक करते हैं तो मंगल शनि की जो हार्डनेस है, मंगल और शनि दोनों कहीं ना कहीं एक साथ जो है वो अष्टम भाव में इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो माता जी है उनके हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। उपाय के तौर पे आपको ये करना है कि पास में कोई अगर एक छायादान करवा दीजिएगा, शनि मंदिर हो, आपको करना ये है कि शनिवार के दिन एक कांसे का बाटका ले लीजिएगा, उस बाटके में तेल भर के, बाटका मीन्स कटोरी, उसमें सरसों का तेल भर के आपके माताजी को शनिवार के दिन उसमें अपना चेहरा देखना है, अपने नाखूनों की परछाई डालनी है, उसके बाद उस तेल को ले जाके शनि मंदिर के अंदर बत्ती घर से बना के ले जाइएगा, एक मिट्टी के दीपक में वो जो तेल है उसका दीपक वहाँ पे जला दीजिए आप शनि मंदिर में, ये आपको शनिवार को करना है। उसके साथ में सोते समय इनका जो सिर है पूरब की दिशा की तरफ कर दीजिएगा, इनके वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिएगा, 3 उपाय कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित और परेशान रहते हैं। इसी सिलसिले में एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, बबीता जी हैं सिंघाना से, जो कि अपने बेटे दिव्यांशु के लिए जानना चाहती हैं। दिव्यांशु की जन्म की तारीख है 3/10/2009, उनके जन्म का समय है दोपहर का 12:43 का। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। बबीता जी, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण जी। मुझे अपने बच्चे पंडित जी, मुझे अपने बच्चे बार पूछा था, जिद्दी स्वभाव का है थोड़ा। देखिए बबीता जी, बच्चे की जो जन्म कुंडली है वैसे बहुत अच्छी है, पर कहीं ना कहीं चूँकि इसकी बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल है, मांगलिक है, तो मांगलिक होने के कारण स्वभाव में थोड़ी आपको तेजी दिखाई देगी, वो बच्चे का करैक्टर रहेगा। मांगलिक जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा तेजी रहती। एक चांदी का चंद्रमा जो है मोती लगा हुआ 6.25 रत्ती का, वो आप सोमवार के दिन इस बच्चे के गले में पहना के रखिए। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि इसका गुरु, इसकी जन्म कुंडली में गुरु नीच का है, तो घर में केले का पौधा रखिए इस बच्चे के नाम से, उस केले के पौधे के समक्ष गुरुवार के दिन शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइए, जल अर्पण कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। तीसरी जो समस्या है वो इस बच्चे की जन्म कुंडली में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, सूर्य शनि जब साथ हो जाते हैं तो पितृदोष बनता है। पितृदोष का तात्पर्य यह है कि इसके बच्चे के पिता की 3 पीढ़ियों की तरफ, पिता दादा परदादा में किसी के अगर अकाल मृत्यु हुई हो या इस बच्चे से पहले आपके अगर अबॉर्शन हुए हों, तो ये कहीं ना कहीं पितृदोष आपकी इस बच्चे की जन्म कुंडली में आ चुका है, तो उसकी शांति बाद में करवा लीजिएगा जब बच्चा 12-13 साल का हो जाए।
उससे पहले जब तक ये नहीं हो तब तक नियमित रूप से पानी के मटके के पास में जा रसोई में आप कलश भर के रखती, वहाँ शुद्ध देशी घी का दीपक अपने पितरों के नाम से जलाइए और हर अमावस पे पितरों के नाम का भोग निकालिए। निश्चित तौर पे इस बच्चे की हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पढ़ाई भी ठीक रहेगी। बबीता जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय कीजिएगा, आपको जरूर से फायदा होगा। चलिए दर्शकों को भी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काम के अंदर, व्यापार के अंदर या पर्सनल जो मैटर हैं उसमें आज आपके जो आपका जो रवैया है वो थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा, आक्रामक रहेगा, लेकिन आज आप अपने काम को अच्छा बोलकर, मीठा बोलकर करवा ही लेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए मीठा पराठा बनाकर गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, व्यापार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। बस आज आपको क्षणिक लोभ में नहीं पड़ना है क्योंकि उससे आगे चलकर आपको नुकसान होगा। आज के दिन की सफलता के लिए पूजा स्थल पर कपूर आरती करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, व्यापारियों और नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आज का दिन लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। अपने किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए आज झूठ का सहारा मत लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।